जब ये धरती से टकराई अस्त्रों का जन्म हुआ। अग्नि की शक्ति से भरा अग्निअस्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र, पशु पक्षियों की शक्तियों से भरे अस्त्र। ऋषि मुनियों की तपस्या सफल हो गई थी, लेकिन फिर ब्रह्मांड चीख उठा, क्योंकि उस ब्रह्म शक्ति के भीतर एक आखिरी महाअस्त्र जन्म ले रहा था, जो शिव भगवान की तीसरी आंख की तरह था, निर्माण और विनाश दोनों कर सकता था। ऋषियों ने समझा कि इस महाअस्त्र पे किसी तरह नियंत्रण पाना होगा। उस